टमाटर लगे हैं अभी। जी जी, ये मैं देख पा रहा हूँ, टमाटर लगे हैं। और इस टमाटर में आपको कुछ समस्याएं थी? लग रहा था। पर अभी तो नहीं है ना सर, इससे पहले भी कुछ दवाइयों का इस्तेमाल किया होगा? हाँ, पहले किया था, बाकी वो रिजल्ट कोई खास करने किया, दूसरे रिजल्ट चालू हो गया उसका। जी, मतलब जो मतलब रोग था वो तो स्थगित हो गया, बाकी और जो कुकड़ा था ना, तो मतलब नए पत्ते जो निकल रहे थे तो मतलब फ्रेश पत्ते निकल रहे। मैं आरोग्यम टीम से अवनीश मिश्रा आपको आज एक टमाटर की खेती पे आया हुआ हूँ, और आपको बताऊं कि ये पूरे खेत में कर्लिंग लीफ मतलब कुकड़ा बहुत हो गया था, मतलब ये पत्तियां ऐसे सिकुड़ रही थी, ये तो गेंदा है, ऐसे पत्तियां सिकुड़ रही थी जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और मैं इनके मालिक जो जिनका ये खेत है उनसे आपकी बात कराऊंगा और ये बताऊंगा कि इन्होंने ऐसी कौन सी दवा या कैसा क्या किया जिससे कि इनको ये परिणाम मिले और इनके कुकड़ा साफ हुआ और टमाटर में पैदावार बढ़ने लगी। तो आइए मिलते हैं हम अपने किसान भाई से। हाँ नमस्कार सर जी, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम माखन पटेल है। माखन पटेल जी, ये सागर में हैं हम लोग। जी जी। तो आप अपना परिचय देंगे, आप क्या करते हैं? हम किसानी करते हैं सर जी, और मतलब जैविक, खास तौर से जैविक किसानी करते हैं। जैविक किसानी करते हैं। हाँ। तो अब हमारे पास टमाटर लगे हैं अभी। जी जी, ये मैं देख पा रहा हूँ टमाटर लगे हैं, और इस टमाटर में आपको कुछ समस्याएं थी? हाँ, कुछ समस्याएं थी मेरे पास, क्योंकि वो कुकड़ा टाइप का लग रहा था। पर अभी तो नहीं है ना सर, तो अभी दवा डाली ना। अच्छा, ये दवा डाली हमने। जी जी, तो कुकड़ा इतनी स्पीड से बढ़ रहा था। हाँ। क्योंकि अब सब दवाई दे गए थे। हाँ। तो मैंने सुना आप दवाई खरीदे नहीं थे, ये जबरदस्ती दे गए थे। पवन जी। यस सर, नमस्कार सर जी, मैं सर पवन पांडे, और मैं विषमुक्त खेती के ऊपर प्रमोट करता हूँ। जी जी। तो मैं सर के यहाँ आया था, तो उस समय इनका टमाटर भी काफी छोटा छोटा था, और इनने मुझे बताई थी कि एक प्रॉब्लम मुझे आती है, पत्ते को सुकड़ने की, कुकड़ा लगने की। जी। तो मैंने बोला ठीक है सर, आप कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दे के जा रहा हूँ एक प्रोडक्ट। हाँ। आप उसका इस्तेमाल करना, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बोले सर अभी मेरे पास पैसे नहीं। मैंने कोई बात नहीं, आप डालना, अगर आपको रिजल्ट अच्छा लगता तो पैसे देना, नहीं लगता तो नहीं देना। चलिए, जब शुरुआत में डाला था तो इससे पहले भी कुछ दवाइयों का इस्तेमाल किया होगा? हाँ, पहले किया था, बाकी वो रिजल्ट कोई खास किसी के नहीं आए थे, किसी के नहीं। दवाई का मेरे बालक ने यूट्यूब पे सर्च किया। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम चंदन पटेल है। चंदन पटेल जी, आपका भी एक YouTube चैनल है जी, किस नाम से है? किसान मित्र सीपी। किसान मित्र सीपी की लिंक नीचे डली है दोस्तों, आप उसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बच्चों का प्रमोट करिएगा। हाँ बताएं सर। तो फिर इसके बाद बच्चा ने YouTube पे सर्च किया, तो इसका मतलब वायरस का लगभग उसमें रिजल्ट दिखा। हाँ। तो मेरे पास तो थी, वो जबरदस्ती दे गए थे। हाँ। और मैंने मना भी किया कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। हाँ। तो जबरदस्ती अकेले रख लो, आप पैसे बाद में दे देना। तो जैसे बच्चा ने रिसर्च सर्च किया, तो हमने भी स्प्रे किया, वो दूसरे दिन रिजल्ट चालू हो गया उसका। जी। तो मतलब जो मतलब रोग था वो तो स्थगित हो गया, बाकी और जो कुकड़ा था ना, तो मतलब नए पत्ते जो निकल रहे थे तो मतलब फ्रेश पत्ते निकल रहे, सिकुड़ नहीं थी उस पर। मतलब कि जो वो पत्तियां पहले से सिकुड़ गई थी। हाँ। उन पे तो ज्यादा फर्क नहीं दिखा। हाँ। लेकिन जो नई पत्तियां आई। हाँ, उसमें कुकड़ा नहीं था। हाँ। तो दोस्तों, टमाटर की खेती अगर आप कर रहे हो, टमाटर के किसान हो, तो आप अगर इस समस्या से ग्रसित हो, आपके टमाटर में कुकड़ा लग रहा है, तो तुरंत नीचे लिखे हुए नंबर पे संपर्क करिए या हमारे माखन जी हैं, और अपने इस कुकड़े से अपने पौधों की मुक्त करिए और पैदावार बढ़ाइए। सर, कुछ किसान भाइयों को बोलना चाहेंगे जैविक खेती के लिए? हाँ सर, क्योंकि जैविक खेती करना अनिवार्य है, और क्योंकि पैसे जो मतलब किसानों की लागत में वेस्ट जाते हैं। जी। तो खुद दवाई बनाएं और खुद स्प्रे करें, और जो भी मतलब जरूरत हो तो जैविक दवाइयों का ही इस्तेमाल करें। जी, धन्यवाद सर, धरा प्रणाम। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।